हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें हमारा टॉपिक होगा अटैकिंग रिएजेंट्स। अब आप कहोगे सर अटैकिंग रिएजेंट्स ये तो टॉपिक कहीं है ही नहीं हमारे पूरे सिलेबस में। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का सिलेबस उठा के देखो बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर में कहीं अटैकिंग रिएजेंट्स का टॉपिक है ही नहीं, तो कहो सर पढ़ें क्यों हम। तो देखो इस चीज़ को हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है एल्किल हैलाइड, जब आप उसको आपको उस चैप्टर को पढ़ाने के लिए वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए उस चैप्टर को समझाने के लिए पहले हमको आपको अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में पढ़ाना होगा। देखो आपका एल्किल हैलाइड चैप्टर, एल्किल हैलाइड खोलोगे तो उसमें देखो कि यूनिट नंबर 3 एल्किल हैलाइड है चैप्टर का नाम, और तुरंत उसमें स्टार्ट किया है SN1 SN2 रिएक्शन, सीधे आपको रिएक्शन पर भेज दिया SN1 SN2 रिएक्शन। अब SN1 SN2 रिएक्शन आपको हम डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करें समझाना स्टार्ट करें तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब ऊपर से उड़ जाएगा, कहोगे सर पढ़ाते ही नहीं समझ आता, क्या पढ़ा रहे हो कुछ समझ नहीं आ रहा, वीडियो बंद करोगे चले जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम, आपको कुछ चीज़ों के पहले जानकारी प्राप्त करनी होगी। जब आप जानकारी पूरी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे उसके बाद SN1 SN2 पढ़ने जाएंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा SN1 SN2 क्या होता है। ठीक है, देखो आपको क्या क्या पढ़ना होगा, पहले आपको जानना होगा अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में क्योंकि इस वीडियो में हम जान जाएंगे, फिर हमको पढ़ना होगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बस जैसे ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जाएंगे आपका SN1 SN2 हमारा रिएक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये जानो, इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें SN1 SN2 रिएक्शन को हम 1 by 1 पूरा डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो और चीज़ों को याद रखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, थोड़ा सा याद करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझो साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा याद भी करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो देखो तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला है हम अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में, तो देखो अटैकिंग रिएजेंट्स हमारे क्या होते हैं, बेसिक हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स हमको दो टाइप का पढ़ना है। देखो एक है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब होता है लव करना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, मतलब बोले तो इलेक्ट्रॉन लवर होगा। मतलब क्या, मतलब कि अब लव कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वही तो इलेक्ट्रॉन को लव करेगा भैया। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन लवर कौन होंगे, मतलब कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे, उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लवर। हम इलेक्ट्रोफाइल को ई ऊपर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ प्लस का मतलब ये नहीं कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, ये नहीं कि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, ये रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है, देखो ये सब है हमारे इलेक्ट्रोफाइल है, हम जब SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, देखो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है तो वहाँ डायरेक्ट लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं आपको पहले ये सिर्फ जान लेना होगा। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल जैसे हमारा, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल H+, H को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये H को क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए हमारा किस में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल में आएगा, मतलब बोले तो पॉजिटिवली चार्ज हमारे जो स्पीसीज होते हैं वो हमारे किस में गिने जाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल में। ठीक है, ये देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल में गिना जाता है, ये ब्रोमीन के ऊपर प्लस है, ठीक है Br, ये भी हमारा किस में गिना जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल में। ये CH3 पे एक प्लस चार्ज, ठीक है, ये भी हमारा किस में गिना जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल में। BF3, ये भी हमारा, देखो BF3 इस पे कहो, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। देखो हमने क्या बोला कि ये सब पॉजिटिवली चार्ज वाले जो होते हैं उनको भी इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है, उनको भी। तो देखो BF3 में देखो जैसे बोरान है हमारा, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसको भी दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, मतलब इसके भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब BF3 भी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरीके से हमारे से BCl2, देखो BCl2 देखते हैं, BCl2 तो देखो दो इलेक्ट्रॉन थे यहां से, दो इलेक्ट्रॉन यहां से, हो गया चार इलेक्ट्रॉन को इसको भी जरूरत और है इसको, तो हमारा ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। मतलब कि हम किसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज हो, जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो, देखो इसका इन सब का ऑक्टेट हमारा पूरा नहीं है। ठीक है, और भी हमारे तरीके होते हैं टाइप बांटने के, एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिफिक तौर पर बांट सकते हो, एक ऑक्टेट पूरे ना होने के बेस पर बांट सकते हो,
और भी टाइप है बैठने के, लेकिन आपको उतना नहीं जानना, बस आपको बेसिकली इतना जानना है कि जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे उनको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल और किसको बोलेंगे जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इन सबका ऑक्टेट पूरा नहीं होता इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोफाइल में गिनते हैं। BCl3 हो जाएगा, Bi3 हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, FeCl3 हो जाएगा, SnCl4 हो जाएगा, ये सब हमारे जो होंगे क्या इलेक्ट्रोफाइल। अब इन सबको हम डायरेक्ट वहां जब SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, तो समझ वहां बोलूंगा मैं, देखो मैं ले रहा हूं यहां पे इलेक्ट्रोफाइल, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, लिख देंगे हम जैसे यहां पे CH3 पे प्लस, तो वहां CH3 प्लस बोलेंगे, अब बोलेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल है, तब कहोगे हाँ, क्यों? क्योंकि भैया हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो। ठीक है, तो ये हमारा और ये सब है। देखो यहाँ पे CH3 पे डॉट लगाया मतलब फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल तो इस ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, एक। ठीक है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमारा ये भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इन सब चीजों को हम डायरेक्ट लिखेंगे जब हम SN1 SN2 पढ़ेंगे। अब ये चीज तो आप जान गए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब वो लोग जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हो। ठीक है, तो ये लोग थे। अब दूसरा आता है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होता है लव, मतलब जो न्यूक्लियस को लव करे, मतलब कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहता हो, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, जिसके पास ज्यादा होगा वही तो देना चाहेगा, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, एक्सेस हो। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, अधिकता हो, उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन यू लिखोगे ऐसे, एन यू लिख के ऊपर ऐसे माइनस की तरीके लगा दोगे। ठीक है, ये नहीं कि माइनस लिखा है, ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है हमारा। ठीक है, एन यू लिखा, एन यू लिख के एक माइनस लगा दिया, माइनस नहीं है, मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसको, न्यूक्लियोफाइल। तो वहां पे हम नोटेशन भी लिख सकते हैं, ये सिंबल है न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अब हमारे कुछ न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स देख लो, जैसे कुछ स्पीसीज है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ब्रोमीन, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जिनके नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जितने होते हैं ये 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 ये, इन सबके पास देखो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल में गिनेंगे। देखो इन पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, 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 मतलब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल में गिनते हैं। और भी हमारे यहाँ पास है जिनके पास लोन पेयर मौजूद होता है उनको भी हम बोलते हैं। तो देखो ऐसे H2O, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है ऊपर नीचे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, NS3 इसमें भी देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये देखो अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल हमारा OH ग्रुप, इस यहाँ पे ये R क्या है, कोई मिथाइल ग्रुप है, कोई अल्काइल ग्रुप हमारा है, सॉरी अल्काइल ग्रुप हमारा कोई है, OH लगाया अल्कोहल। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इस पे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, तो जिनके पास अगर लोन पेयर हो या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो उनको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो या जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो उनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल में काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये काफी सिंपल था, अटैकिंग रिएजेंट्स कुछ करना नहीं है आपको, बस समझ के ये जो चीजें हैं इन सब चीजों को याद रखना है कि हाँ किस किन चीजों को हम इलेक्ट्रोफाइल में गिनेंगे, किन किन चीजों को हम न्यूक्लियोफाइल में गिनेंगे। ठीक है, काफी सिंपल है, काफी आसान है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को पूरा याद कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उसी जगह से हम आगे बढ़ेंगे SN1 SN2 रिएक्शन की ओर। ठीक है, तो काफी सिंपल है, इस चीज को याद रखें तभी वो SN1 SN2 आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।